गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के कोल्हूबर पंचायत के ग्राम मटहा में आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक गांव में स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा पक्की सड़क निर्माण नहीं कराया गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर कहा, रोड नहीं तो वोट नहीं। नहीं लगता है तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग पूरे यहाँ लगभग 2000 हम लोग का पोल है वार्ड नंबर 10 से, हम लोग पूरा वोट का बहिष्कार करेंगे। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम धीरेंद्र कुमार है। वोट के टाइम आता है जो प्रतिनिधि लोग आते हैं या उनका लोग चमचा लोग जो आते हैं से कहते हैं कि रोड बना देंगे, गली बना देंगे, नली बना देंगे। आज तक यही दे दे के संत हमला चल जाते हैं, स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे और कुछ बनते ही नहीं है। ग्राम पंचायत कोल्हूबार गांव मटहा का ये पूरा 1200 एकड़ के रकबा में आज तक ये बीता का रोड भी कहीं नहीं बना है। मेन रोड से यहाँ तक की कितनी दूरी है? मेन रोड से यहाँ 3 किलोमीटर। और आजादी के बाद भी कुछ नहीं, 1947 में आजाद हुआ तहना से आज तक तो कोई आईबे नहीं किया है। वो किया तो खाली कह के चल गया कि से रोड बनावेंगे, गली बनावेंगे, नली बनावेंगे, वोट फलना के दीजिए, चिल्ला के दीजिए। सचा है विधायक हो, क्या नाम डालल है? मेरा नाम हुआ कृष्ण देव प्रसाद। कहेंगे रोड को लेकर? रोड के लेकर के हम लोग का विकास चाहिए, रोड होना चाहिए। कोई भी विधायक एमपी भी आते हैं तो आप शासन देते हैं, कहते हैं कि हम बना देंगे, बाकी आज से 1947 से आज तक आजाद हुआ है अभी तक मनो रोड नहीं बना है। नली बना हुआ है पंचायत ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा बना है।